ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସନାତନ ଆସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଦେଶର ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଏପରି ଥିଲା ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାମର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଓ ଏବେ ଏକ ଏପରି ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶରେ ରହିଛି ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ବାରଣାସୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବର୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। याद करिए, एक नेतृत्व वह था आजादी के तत्काल बाद जिसने सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के पांच सदी के इस इंतजार को दूर करके सनातन आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा हो। और यही पहचान होती है कि संकट के समय कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी आस्था के साथ खड़ा है, कौन इन्हें सम्मान दे रहा है। स्वाधीनता परठारु भारतीय मानव को भारतीयतारु दूर करबा को चेष्टा करा जाय थिला। आजादी के बाद आपने देखा होगा एक ट्रेंड देश के अंदर चलाने का प्रयास हुआ था कि जो भारतीय है, जो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, उसको हतोत्साहित करो, और जो भारतीयता के मार्ग में बाधक बने, उसकी प्रगति में बाधक बने, उसे हेत से देखें, उसे प्रोत्साहित करो। अयोध्या भव्य दीपावली पालन योजना किपरि प्रस्तुत थला से विषय रे कहिसेंती जोगी जिए विरोध करूछि करू आमे भव्य आयोजन करबा। दीपावली के दिन मैं उनके बीच में रहूंगा, एक दिन पहले पहले मैं मालूम करूं कि अयोध्या में क्या होता है। तो मैंने एक टीम अयोध्या भेजी। मैंने कहा अयोध्या में कोई विशिष्ट आयोजन दीपावली के अवसर पर? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा वहां कैसे कार्यक्रम हो सकता है, इसकी कोई कार्य योजना बनाई गई? लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा क्या बन सकती है? कहा रे साहब बहुत बवाल हो जाएगा। मैंने कहा ये बवाल केवल अयोध्या और मथुरा काशी के लिए क्यों होता है? अरे बवाल क्यों बोल रहे हैं आप? क्या अपना पर्व और त्योहार मनाना बवाल का कारण बनता है क्या? तो मैंने एक टीम भेजी, मैंने कहा आप जाइए वहां के पूज्य संतों से बातचीत करिए और बोलिए क्या दीपावली का आप कार्यक्रम भव्यता के साथ अयोध्या में हो सकता है। वो टीम आई, उन्होंने कहा संत तो तैयार हैं लेकिन मीडिया इसको बहुत नेगेटिव लेगी। मैंने कहा देखो हमें अपने राह पर आगे बढ़ना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है इसकी बहुत चिंता मत करिए। हम जाएंगे तो भी जिसको विरोध करना हो विरोध करेंगे, जिसको समर्थन करना होगा वो हमारे कार्यक्रम को हाथों हाथ लेंगे। और मैंने कहा सफलतम आयोजन होगा ये। चार वर्ष पूर्वरु उत्तर प्रदेश रे कोनोसी पर्व पर्वणी बिना हिंसा रे हेउ नथिला, हेले वर्तमान स्थिति बदली छि। आखिर ये वही प्रदेश था 4.5 वर्ष पहले जहां हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे, किसी भी प्रकार की कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई शांतिपूर्ण पर्व और त्योहार मनाया भी जा रहा है तो पद्री भी उसमें जबरदस्ती घुस करके उसे व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते थे। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो व्यापक परिवर्तन प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।